एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को भारत में गंभीर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है, यानी कोविड 19 के इलाज में इसका प्रयोग कुछ शर्तों के साथ किया जा सकेगा। महामारी के दौर में जरूरत को देखते हुए केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने इस दवा के इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है। अमेरिकी कंपनी गिलियड साइंस को रेमडेसिविर की मार्केटिंग का ऑथराइजेशन मिला है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल्स में रेमडेसिविर को बेहद प्रभावी माना जा रहा है। इस इंजेक्टेबल दवा को भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सोमानी ने अधिकतम 5 दिन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी बायोफर्म गिलियड साइंसेज द्वारा निर्मित इस दवा को मुंबई स्थित क्लिनेरा ग्लोबल सर्विस गिलियड के निर्माण स्थलों से आयात किया जाएगा। फिलहाल कोरोना मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ 5 दिनों के लिए होगा और हाल ही में जापान ने कोरोना संक्रमण के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को पिछले महीने ही मंजूरी दी थी। जापान में कोरोना के इलाज की आधिकारिक दवा रेमडेसिविर ही है। ये एक एंटीवायरल दवा है जो साल 2009 में सामने आई थी। ये उन दवाओं की श्रेणी में आती है जो वायरस पर सीधा हमला करती हैं। वहीं बहुत सी दवाएं वो होती हैं जो सीधे हमले की बजाय इम्यून सिस्टम को हमले के लिए तैयार करती हैं। ये दवा वायरस के भीतर घुस जाती है और इसकी वजह से उसका जीनोम सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है, जिससे वायरस खुद को बढ़ा नहीं पाते। तो वही कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा था कि भारत चूंकि WHO का सहभागी देश है, इसलिए WHO के उपलब्ध कराए जाने पर देश के कुछ राज्यों में करीब 1000 मरीजों पर रेमडेसिविर का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए सरकार तैयार है। फिलहाल ये दवा सिर्फ कोरोना के गंभीर मरीजों को ही दी जाएगी। अमेरिका में हुए परीक्षणों के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस दवा के सेवन से गंभीर कोरोनाग्रस्त मरीजों में तेजी से सुधार आता है। हालांकि ये दवा इबोला वायरस के संक्रमण के लिए बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।